ओम क्रीम 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 रीम 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 होम ओम होम दक्षिणा काली के क्रीम 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 रीम 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 होम ओम ओम स्वाहा। माँ दक्षिणा काली के नमः। प्रसन्न वरदो भव, प्रसन्न वरदो भव, प्रसन्न वरदो भव। सिद्ध साधक परिवार के इस चैनल में स्वागत है। तो साधनाओं के इस कड़ी में आज हम आपको एक साधना देने वाले हैं, ऐसा एक दुर्लभ और गुप्त साधना देने वाले हैं जिसके सहारे में आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इस साधना का नाम होता है कंकाल भैरव साधना। भैरव तो शिव का स्वरूप है, रक्षा कारक देव हैं। अपने साधक को अभय प्रदान भी करते हैं, उसमें वीर भाव का संचार करते हैं, प्रतिपल जोश साहस उमंग को भर देते हैं। सिद्ध साधक परिवार से अनुमति प्राप्त प्रत्येक साधक के लिए अति आवश्यक है कि वो इस विशेष साधना को संपन्न करें। अभी के युग में जब बाधाएं समस्याएं पग पग पर हों, व्यभिचार की प्रवृत्तियां सिर चढ़ के बोलने लगी हो, तब भैरव साधना का प्रभाव स्वतः ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध हो जाता है। जिस प्रकार एक पवित्र स्थान के चारों ओर कांटों की बाड़ लगाई जाती है कि उसे कोई अपवित्र न कर दे, उसी प्रकार अपने जीवन के श्रेष्ठ चिंतन को, अपने पारिवारिक जीवन को सुरक्षित रखने के लिए इस प्रकार की तीक्ष्ण साधना की बड़ा ही आवश्यक है। तो ये आपके आपके परिवार के चारों तरफ का कंकाल भैरव बाढ़ का बाढ़ अवश्य लगानी चाहिए, जिससे कि वो अपवित्र न हो सके। अगर घर में पितृदोष हो, अनायास कलह लगा रहा हो, कोई विशेष कारण न होने पर भी परिवार में मतभेद हो, जायदाद के बंटवारे में भी कलह हो, विवाद की स्थितियां बनी रहे हो हर समय घर के ऊपर, शत्रु पक्ष द्वारा धमकी मिल रही हो, शत्रु पक्ष द्वारा षड्यंत्र आपके विरोध में, आपके परिवार विरोध के में रचे जा रहे हो, मानसिक सुख शांति घर में चले गया हो, भय और तनाव को व्याप्त रहता हो, या जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या या बाधा आ गई हो, तब यदि व्यक्ति कंकाल भैरव साधना संपन्न कर लेता है तो ये निश्चित रहे, तो उसी क्षण से ही उसका समाधान मिलना प्रारंभ हो जाता है। साथ ही साथ उच्च कोटि की साधना में सिद्धियों का प्रश्न हो अथवा गृहस्थ जीवन में पूर्णता, भैरव साधना संपन्न किए बिना व्यक्ति ना तो सामान्य जीवन में भय बाधा रहित हो सकता है और ना ही महाविद्या साधना संपन्न कर सकता है। क्योंकि प्रत्येक महाविद्या का आप जान ले, प्रत्येक महाविद्या के एक विशिष्ट भैरव होते हैं जिनको सिद्ध करने के पश्चात ही साधक उच्च कोटि की महाविद्या साधना में प्रवेश का अधिकारी समझा जाता है। विशेष रूप से जो साधक तंत्र के क्षेत्र में आना चाहते हैं, अपने तीव्रता से बढ़ना चाहते हैं, समयोपयोगी और प्रखर बनना चाहते हैं, उन्हें कंकाल भैरव साधना को अपने जीवन में उतारना ही पड़ेगा, अर्थात शिव तत्व से युक्त क्रोध तेज युक्त बनना ही पड़ेगा। इस साधना के प्रथम दिवस से ही साधक को अपने आसपास एक ऐसी विलक्षण अनुभूति होने लग जाता है पहले ही दिन से, जिससे वो कहीं भी बिना भय के आ जा सकता है तथा आत्मविश्वास से भरा रहने लगता है। जो साधक मानसिक दुर्बलता से पीड़ित हो या जिन्हें शत्रु भय अथवा अकारण भय बना रहता हो, उन्हें सिद्ध साधक परिवार से अनुमति प्राप्त कर इस साधना को अवश्य ही संपन्न कर लेना चाहिए। जैसे इनका नाम है कंकाल भैरव, इनका स्वरूप मूलतः अत्यंत उग्र और तीक्ष्ण है, पर विशेष साधनाओं के सहारे हम जो सौम्य साधना देंगे इसी के सहारे आप सौम्य रूप में भी इनको सिद्ध कर सकते हैं। भगवान शिव के ही अंश होने के कारण वे शिव स्वरूप में अर्थात शांत स्वरूप में भी वरदायक है, भय के भी विनाशक हैं, सुरक्षा प्रदान करने वाले हैं और साथ ही साथ पूर्ण रूप से अमृतमय होते हुए साधक के बल वीर्य का प्रवर्धन करने वाले, इस उसकी पाप राशि को समाप्त करने वाले भी होते हैं कंकाल भैरव। कंकाल भैरव साधना का प्रस्तुत विधान अत्यंत सौम्य और किसी भी मानसिक क्रियाकलाप से सर्वदा शून्य है। जैसे कि हमने अपने वीडियो में पहले बहुत बार कह चुके हैं, हम कोई गलत साधना भूत प्रेत चुड़ैल का नहीं करवाते हैं, तो आप इससे निश्चिंत रहे, ये कोई उग्र साधना नहीं है, इसमें कोई भी तामसिक क्रियाकलाप नहीं है। इसके द्वारा गृहस्थ व्यक्ति भी उन सभी वरदान को प्राप्त कर सकता है जिसके लिए तांत्रिक साधकों को शमशान के उग्र वातावरण में साधनाएं संपन्न करना पड़ता है। हम ऐसे अत्यंत शक्तिशाली साधना अपने चैनल में इस चैनल में देते हैं
कि जिस चैनल जिस साधना के लिए तांत्रिकों को शमशान में बैठ के, मतलब उग्र परिस्थिति में बैठ के भयानक से भयानक योनि का साधना करना पड़ता है, हम सौम्य साधना से उतना ही शक्तिशाली साधना से साधक परिवार में कराते हैं। तो आइए मैं आपको साधना विधान समझाता हूँ। कंकाल भैरव के लिए ये अनिवार्य है कि साधक कंकाल भैरव साधना का अनुमति सिद्ध साधक परिवार से प्राप्त कर लें, क्योंकि इसके अभाव में उसके अंदर वो साहस वो बल आ ही नहीं सकता कि वो भैरव के प्रचंड अत्यंत तेजस्वी स्वरूप का दर्शन कर सकें, उन्हें आत्मसात कर सकें। साथ ही कमजोर दिल वाले वृद्ध या आसक्त व्यक्तिगण को सिद्ध साधक परिवार की अनुमति प्राप्त करने के बाद ही इस तीक्ष्ण साधना में प्रवृत्त होना चाहिए। इस साधना को आप कौन से भी कालाष्टमी हो या किसी भी कृष्ण पक्ष के रविवार को रात्रि में 10 बजे के बाद ही आरंभ कर सकते हैं। ये एक 11 दिवसीय साधना है। साधक क्या करें, साधक पहले स्नान कर काले वस्त्र धारण कर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके ऊनी आसन पर बैठें, तेल का अखंड दीपक जला लें, अपने सामने ताम्र पत्र में कंकाल भैरव यंत्र की स्थापना करें, जिसमें भैरव के समस्त 108 स्वरूपों का आवद्ध किया जाता है, तथा आवरण पूजा बलि आदि का आवश्यकता भी इसमें नहीं होता, क्योंकि सौम्य साधना इसमें बलि आवरण पूजा ये किसी का उसको मतलब आवश्यक नहीं है। सर्वप्रथम गुरु पूजन तथा गुरु मंत्र का एक माला जाप अवश्य कर लें, तथा साधना में सफलता के लिए गुरुदेव से प्रार्थना करें। तदुपरांत दोनों हाथ जोड़कर कंकाल भैरव की पूर्ण सात्विक स्वरूप का स्मरण करें, सात्विक कोई इधर उधर स्वरूप का उसका चिंतन नहीं करेंगे। यंत्र के आगे गुड़ का नैवेद्य अर्पण करें, उसके पश्चात यंत्र पर लाल पुष्प तथा सिंदूर चढ़ाने हुए आह्वान करें कि हे कंकाल भैरव, आप मेरे जीवन से बाधा समस्या मुकदमा इस सारे समस्या को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दें। इसके पश्चात हम जो मंत्र आपको देने जा रहे हैं, जो सिद्ध साधक परिवार के गुरुओं के द्वारा शिष्यों के द्वारा सिद्ध किया गया है, उसको आप नोट कर लें। एक बार पॉज कर करके वीडियो को नोट कर लें, या अगर याद नहीं रहे तो स्क्रीन पे दिया हुआ ईमेल आईडी में पूछें, हम आपको बता देंगे। आप मंत्र नोट कर लीजिए। ओम एम क्लाम क्लीम क्लूम ह्राम ह्रीम ह्रूम सह बं ओम। नित्य 11 माला जप करने के उपरांत सामने चढ़े हुए गुड़ के नैवेद्य को किसी कुत्ते को खिला दें। ये क्रम आपको 11 दिन तक जारी रखें। हाँ, एक चीज़ याद रखें, क्योंकि ये सौम्य होते हुए भी तीव्र साधना है, तो इस मंत्र जाप के दौरान यदि आपको विचित्र ध्वनियाँ सुनाई दे, या बहुत तेजी का चीत्कार आपके कान के पास सुनाई दे, या आपको कुछ दिखाई दे, आप अविचलित बनकर रहकर साधना करते रहें। ऐसे नहीं कि कुछ दिख गया आप साधना छोड़ के भाग गए, ये आपको क्षति पहुंचा सकता है। क्योंकि साधक जब धीरे धीरे कंकाल भैरव की धूमिल छवि देखते हुए क्रमशः भय मुक्त होने लगता है, तभी वे अपना संपूर्ण स्वरूप उसके सामने जाके प्रकट करते हैं। अतः साधक को अपने मन में कोई शंका नहीं लाना चाहिए। प्रतिदिन मंत्र जाप के समापन पर अपने इष्ट के दाहिने हाथ में जाप समर्पण अवश्य कर दें। साधना की पूर्णिमा अंतिम दिन इष्ट के सौम्य स्वरूप का दर्शन प्राप्त हो तो उन्हें श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करें, और उनमें विनय पूर्वक प्रार्थना करें कि वे जीवन भर सहायक व रक्षक आपके बने रहें। अगले दिन यंत्र व माला को किसी नदी में विसर्जित कर दें। कई साधकों को 7 दिन में तो कई साधकों को 11 दिन और कई साधकों को 21 दिन में भैरव दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस साधना को आगे भी नियमित रूप से संपन्न कर सकते हैं। किस विशेष कार्य हेतु बाहर जाने से पहले कंकाल भैरव मंत्र का 11 बार जाप करने से पूर्ण आत्मविश्वास और कार्य में सफलता अवश्य प्राप्त होता है। लेकिन इसमें सावधानी आपको क्या है, ये क्योंकि ये कंकाल भैरव है, आप उनके सौम्य रूप के साधना करते हैं, फिर भी उनके स्वभाव के अनुसार वो आपको डराना नहीं चाहते, उनके स्वभाव के अनुसार वो आपको उसमें इंसिस्ट कर देते हैं कि आप
धूमिल छवि उनका धीरे धीरे देखते जाए, उनका आवाज़ चित्कार सुनाई दे, आप जब उनमें अभ्यास हो जाता है ये सुन सुन के, आपका भय थोड़ा थोड़ा मिटने लगता है, तब वो आपके सामने आते हैं। तो इस ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें आप डरे नहीं, अविचलित नहीं हो, अविचलित रह के इस साधना को संपन्न करें। या आपको कोई भी संदेह हो या किसी भी विषय साधना के विषय में आपको जानकारी चाहिए हो, स्क्रीन में दिया हुआ ईमेल आईडी में आप हमें संपर्क करें, आपको पूरी सहायता कर दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही था। ओम क्रीम 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 ह्रीम 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 ओम 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 दक्षिणा कालिके, क्रीम 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 ह्रीम 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 ओम 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 स्वाहा, माँ दक्षिणा कालिके नमः, प्रसन्न वरदो भव, प्रसन्न वरदो भव, प्रसन्न वरदो भव। चैनल को सब्सक्राइब कर ले।